नमस्कार, बीए प्रथम वर्ष विषय हमारा हिंदी का शिक्षण शास्त्र, और हम बात कर रहे थे अभिव्यक्ति के प्रकारों की। इसके अंतर्गत हमने सामान्य रूप से मौखिक, लिखित और सृजनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में चर्चा की थी। अब उसको डिटेल में और उनकी विशेषताओं के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभिव्यक्ति के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहले अभिव्यक्ति है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है सबसे पहले इसको जानेंगे। तो मौखिक अभिव्यक्ति में, मौखिक अभिव्यक्ति में भाषा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से की जाती है, भाषा के माध्यम से की जाती है, किंतु इसमें आंशिक मुद्राओं का विशेष योगदान है। मतलब कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति जाती है, और मुद्राओं को भी मौखिक अभिव्यक्ति में पूर्ण हाव भाव द्वारा जो व्यक्त भावनाएं विचारों को व्यक्त करना होता है, इसलिए मुद्राओं का विशेष ध्यान दिया जाता है। अब जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसकी कुछ विशेषताएं होती है जिनको अभिव्यक्ति के समय ध्यान रखना होता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं, विशेषताओं के सबसे अंतर्गत सबसे पहली है सुश्रव्यता। सुश्रव्यता मतलब कि अगर आप मौखिक रूप में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे अच्छा सुना जा सके, इस प्रकार का व्यक्त करना होता है। दूसरा है उचित गति। गति अधिक तीव्र भी नहीं होनी चाहिए और ना ही अधिक धीमी होनी चाहिए, यानी कि जो गति श्रोता को समझ में आए, इस प्रकार की गति के आधार पर ही अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। इसके बाद है भावानुरूप, भावानुरूप उतार चढ़ाव। जब अभिव्यक्ति की जाए तो जिस प्रकार के भाव हो, अगर कोई शांत भाव दे रखा है तो विनम्रतापूर्व बोलना होगा। तो इस प्रकार से जब मौखिक अभिव्यक्ति की जाएगी तो कहीं पर उतार, मतलब तेज बोलना, कहीं पर धीमे बोलना, इस प्रकार के भाव को व्यक्त करना पड़ेगा। कहीं पर शब्द पर अधिक जोर देना होगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा शुद्धता, मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत शुद्ध रूप से व्यक्त किया जाएगा, तभी कोई विषय वस्तु समझ में आएगी। इसके बाद है क्रमबद्धता, क्रमबद्धता, जो अभिव्यक्त किया जा रहा है वो क्रमबद्ध रूप से अभिव्यक्त किया जाएगा, तभी जो जो श्रोता है उसे सही ढंग से ग्रहण कर पाएंगे। तो इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति के अंदर क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर है शिष्टाचार, मतलब कि भावों में डूबते हुए भाव, मतलब कि जैसे कि कोई भी है अभिव्यक्ति करते समय वो बहुत ही ज्यादा संवेगों में डूब जाते हैं और शिष्टाचार का पालन न करते हुए अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी भाषा का प्रयोग न करते हुए शिष्टाचार की भाषा का प्रयोग करके ही मौखिक रूप में अभिव्यक्त करना है। फिर है अवसरानुकूलता, अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता है। फिर है संप्रेक्षणीयता, मतलब कि जो मौखिक अभिव्यक्ति की जा रही है वो विचारों के आदान प्रदान के लिए सही हो, मतलब कि जो विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है वो ये कहे कि किसी उपयोग में लिया जा सके, इस प्रकार का होने। संप्रेक्षणीयता मतलब कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो संप्रेक्षण के लिए उपयोगी हो, या संप्रेक्षण विचारों का आदान प्रदान करने की विशेषता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो ये थी हमारी मौखिक अभिव्यक्ति। अब है इसकी जो अगली अभिव्यक्ति वो है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति दूसरी है, लिखित
अभिव्यक्ति, वहां पर बोलकर आंगिक जो मुद्राओं के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है भाषा को माध्यम बनाकर, यहाँ पर भाषा को लिपिबद्ध करते हुए लेखन का कार्य किया जा रहा है और लेखन के द्वारा ही अभिव्यक्त किया जा रहा है, इसीलिए इसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। तो लिखित अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति लिपि के माध्यम से, लिपि के माध्यम से की जाती है, लिपि के माध्यम से की जाती है। लिखित अभिव्यक्ति में लेखन शैली प्रभाव उत्पन्न करने में विशेष भूमिका निर्वाह करती है। मतलब कि वहाँ पर आंगिक और मुद्राओं को विशेष माना है मौखिक अभिव्यक्ति में, और लिखित अभिव्यक्ति में शैली का प्रभाव, शैली है वो लेखन के अंतर्गत प्रभाव उत्पन्न करती है और शैली का ही भूमिका, विशेष भूमिका निर्वहन करने का कार्य बताया गया है। अब है इसकी विशेषताएं, विशेषताएं लेखन में किस किस प्रकार की विशेषता है, लेखन अभिव्यक्त किया जा रहा है उसमें किन किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो है सुपाठ्यता, लेखन है जो लिखा गया, लिखित रूप जो कार्य है, जो भी है लिखित अभिव्यक्ति है, उसे एक व्यक्ति जब पढ़े तो उसे अच्छी तरह से पढ़ा जा सके, सुपाठ्य हो, अच्छा पढ़ने योग्य सामग्री हो, इस प्रकार का लेखन होना चाहिए। दूसरी विशेषता है सुस्पष्टता, जो लेखन कार्य किया गया है वो स्पष्ट होगा तभी जो लिखित अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, कितना प्रभाव डालती है, वो सारी बातें समझ में आएगी, तो सुस्पष्टता होना आवश्यक है। फिर है दोष रहित वर्तनी, जो लेखन करता है वो जो वर्तनी का प्रयोग कर रहा है वो दोष रहित होनी चाहिए। किसी भी दोषयुक्त वर्तनी का प्रयोग यदि किया जाएगा तो जो विषय वस्तु है वो समझ में नहीं आएगी, इसे दोष रहित वर्तनी का उपयोग करना होता है। फिर है वाक्य रचना एक गुण होता है, वाक्य को किस प्रकार रचना है, क्योंकि जो लिखित अभिव्यक्ति है वो पढ़कर समझकर फिर अपने भावनाओं विचारों को व्यक्त करने की बात करती है, तो वहाँ पर अगर वाक्य रचना करना एक लेखनकर्ता को नहीं आएगा तो वो अपनी अभिव्यक्ति अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता, इसलिए वाक्य रचना की विशेषता होनी चाहिए। फिर है विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। यदि विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा तो जो लेखन सामग्री जो हमारे पास उपलब्ध है, जो लिखित अभिव्यक्ति की गई है, वो उसमें कहाँ पर किस प्रकार से रखना है ये बात समझ में नहीं आएगी, हम लोग जो वाक्य उसे सरल पढ़ते चले जाएंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण की मौलिकता। अब जो लेखन कार्य किया जा रहा है वो प्रस्तुतिकरण मौलिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई रटा रटाया या किसी का देखा गया, वो नहीं होना चाहिए। अपने द्वारा रचित मौलिक रचना लेखन अभिव्यक्ति है, जहाँ पर वाक्य रचना व्यक्ति स्वयं कर रहा है तो जो लिखित सामग्री है वो भी मौलिक ही होगी, तो प्रस्तुतिकरण है वो मौलिक रूप लिए हुए होना चाहिए। हम लोग विद्यार्थियों को कहते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर वो अपने कौशल के आधार पर देते हैं, तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी अपने अनुसार उसे बनाते हैं तो उसके अंदर मौलिकता की झलक देखने को मिलती है, तो वही है लिख अभिव्यक्ति के प्रकार के अंदर प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत मौलिकता होनी बहुत ही आवश्यक है। फिर है अनुच्छेदन के अंतर्गत, मतलब कि जो विषय वस्तु है उसे अगर एक साथ नहीं समझा पा रहे हैं तो उसे टुकड़ों में कर या फिर जहाँ पर उचित लगे कि यहाँ पर हमें विषय वस्तु के बारे में कुछ और जानकारी देनी है वो सारी जानकारी देनी चाहिए। मतलब यहाँ पर अनुच्छेदन मतलब कि भागों में बांटते हुए भी उसका व्यक्त किया जा सकता है। फिर है अगला है क्रमबद्धता
लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भी क्रमबद्धता की विशेषता होनी बहुत ही आवश्यक है। यदि क्रमबद्ध रूप में लेखन अभिव्यक्त नहीं किया जाएगा तो जो पठनीय सामग्री है वो सही ढंग से हमें समझ में नहीं आएगी, इसलिए क्रमबद्धता होना बहुत ही आवश्यक है। फिर है व्याकरण का ध्यान, व्याकरण के नियमों का ध्यान या व्याकरण का ध्यान। जो लिखित सामग्री लेखन के अंतर्गत भी अगर व्याकरण संबंधी त्रुटियां की जाएगी तब जो लेखन है वो सही समझ में नहीं आएगा, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखकर ही अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। फिर है शब्द चयन, कौन सा शब्द कहाँ पर उपयुक्त होगा इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए ही करना, मतलब कि एक तो पहली बात, सबसे पहली बात तो शब्द का अर्थ क्या है, वो शब्द हम जो लेखन कार्य कर रहे हैं वहाँ पर उपयुक्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम ये कहें कि जो कुछ लोगों की आदत होती है कि बोलते वक्त वो उन्हीं शब्दों का एक ही शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं तो लिखने में वही चीज़ दोहराई जाती है, लेकिन लेखन अभिव्यक्ति के अंतर्गत अगर ऐसी बात होती है तो उस शब्दों का प्रयोग हर शब्द हर जगह उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इस बात को विशेष ध्यान रखते हुए इस विशेषता को अपनाना चाहिए। तो ये लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति। अब है सृजनात्मक अभिव्यक्ति, आखिरी जो अभिव्यक्ति है वो है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की हो सकती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति है वो अपने भावनाओं विचारों को दोनों ही प्रकार से अपने अंदर क्रिएटिविटी लाते हुए प्रस्तुत करता है। तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सृजनात्मक अभिव्यक्ति लिखित भी हो सकती है तथा मौखिक भी है ना। सृजनात्मकता में मौलिकता का विशेष महत्व होता है, मौलिकता के लिए अभिव्यक्तिकर्ता का संवेदनशील एवं कल्पनाशील होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अधिक संवेदनशील और कल्पनाशील है वह विषय वस्तु को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, तो सृजनात्मकता के अंतर्गत लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति आती है। ध्यान रखने की बात यह है कि उसमें मौलिकता का विशेष ध्यान हो और मौलिकता के लिए अभिव्यक्तिकर्ता को संवेदनशील और कल्पनाशील होना बहुत ही आवश्यक है। यदि अगर विभिन्न प्रकार के संवेदनों के बारे में अगर वो जानकारी प्राप्त नहीं होती या फिर वो कल्पनाशील नहीं होता है, क्योंकि कल्पना करके ही कोई बातों को अभिव्यक्त किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो इसीलिए कल्पनाशील होना बहुत ही आवश्यक है। और ये माना भी गया है कि जो व्यक्ति जितना संवेदनशील और कल्पनाशील होगा उतना ही विषय वस्तु को बहुत अच्छी ढंग से प्रस्तुतीकरण कर सकता है। उदाहरण के लिए हम बोर्ड की परीक्षाओं में लेते हैं तो वहां पर इस प्रकार के सृजनात्मक प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती है
सृजनात्मक प्रश्न होते हैं। विद्यार्थी है वो अपनी अनुसार उन्हें लिखित रूप में बहुत अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। तो वहां पर विद्यार्थी है वो कल्पनाशील और संवेदनशील होता है। जो विद्यार्थी जितना अधिक कल्पनाशील और संवेदनशील होता है वो उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन देता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अभिव्यक्ति के प्रकारों की चर्चा की है। ये तीनों प्रकार आप होमवर्क के रूप में एक प्रश्न के आधार पर लिखकर लेकर आएंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। लिखिए प्रश्न लिखेंगे अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकलते हो तो तीन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है और हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।